गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, दिस इज आवर फिफ्थ लेक्चर। लास्ट क्लास आपको होमवर्क मिला था। हाँ, ये है आपका होमवर्क। पहले हम आपको इसका सॉल्यूशन दे दें। तो ये है इसका सॉल्यूशन। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप पीडीएफ से इसको कर ले। सही है सबका? आइए, क्योंकि अब आपको इसको कॉन्सेप्ट से करना आ गया है, तो हम आपको एक छोटा सा बेसिक मैथ्स के कैलकुलेशन की हेल्प से चाहते हैं कि छोटी सी ट्रिक यूज करें आप। और ये जो ऑर्डर निकालने के लिए आपको दो पेज टाइम लग रहा है लिखना, फिर डिवाइड करने के क्वेश्चंस को, वैल्यू निकालना, इसको हम और आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसी को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक सा मैथ्स लगेगा, कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो फिर कभी भी कोई भी ट्रिक याद रहे या ना रहे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। जबकि अगर सिर्फ आप ट्रिक पे फोकस करते हैं तो ऐसा नहीं है। आइए, आपको याद होगा लास्ट टॉपिक हमने सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर पढ़ा था, राइट? हमने देखा था कि अगर मैं किसी रिएक्शन की ऑर्डर को बदलूं, तो उस हिसाब से उसका रेट पे क्या इफेक्ट आता है, राइट? हमने देखा था ना। आइए एक बार फिर से बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है, आर गोज टू पी। आर रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है। तो बताइए, हम अगर रेट लॉ लिखे तो बताइए मैं क्या लिखूंगा। रेट लॉ इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस्ट टू द पावर एक्स। अब जरूरी नहीं है कि आप एक्स लें, आप कोई भी वेरिएबल ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रखें कि जब तक इसने ये नहीं कहा कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, आप इसका कोफिशियंट है उसको पावर पर नहीं ले जाएंगे। इतने तो समझ में आ ही गया था। देखिए, अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। एक्स की वैल्यू 0, 1, 2 और बहुत रेयर केस में अगर हम जाए तो 3। क्या मुझे फ्रैक्शन वैल्यू नहीं मिल सकती, डेसिमल नहीं मिल सकता? मिल सकता है, बट जनरली हम इनके साथ डील करते हैं। ताकि हम पहले इनको देख लें। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको रिमाइंड करा दूं। अगर बताइए मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 रख दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? रेट लॉ। तो मुझे क्या आएगा? रेट लॉ, यानी कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस्ट टू द पावर 0। अगर आप इसको सॉल्व कर दें तो आपको मिल जाएगा रेट इज इक्वल टू, एक बार बताइए, किसी भी नंबर के पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर के, वैल्यू हमेशा कितनी आती है? 1 आती है। यानी कि के इंटू 1 की वैल्यू क्या आएगी? के। एक बात बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पर रेट क्या रहने वाला है? कॉन्स्टेंट। यानी कि आप चाहें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, या 4 times कर दे, इवन का 10 times कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट कॉन्स्टेंट रहेगा। एक बात, यानी कि एक चीज़ आप कह सकते हैं कि अगर मैं किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को लगातार चेंज करते जाऊं और उससे उसके रेट पे कोई फर्क ना पड़े, इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी है? दैट रिएक्शन इज ऑफ 0 ऑर्डर। यानी कि वो जो रिएक्शन है वो किस ऑर्डर की है? 0 ऑर्डर की। एक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी तरह हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। अगेन रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बताइए, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूंगा तो एक्स की वैल्यू मैं 1 रख दूं, तो ये होती है क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बनेगा ना। आप मुझे ये बताइए, अगर मैं रिएक्टेंट को डबल कर दूं, रिएक्टेंट को डबल करने से क्या मतलब है मेरा? हाँ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर मैं डबल कर दूं, तो बताइए मेरा रेट क्या हो जाएगा? इट विल बी आल्सो डबल्ड। यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? 2 times हो जाएगा। अगर मैं इसके कंसंट्रेशन को 4 times कर दूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, वेरी गुड, दिस विल आल्सो बिकम 4 times। यानी कि मुझे एक चीज़ और अच्छे से क्लियर हो गई, क्या है वो? फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
यानी कि जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे उसका रेट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप रेट को हाफ करना चाहते हैं तो आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या कर दें, हाफ। आपको ध्यान क्या देना है, जितनी चेंजेस आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में करेंगे उतनी ही चेंज आपको रेट में भी देखने को मिलेगा। जीरो ऑर्डर में क्या देखा हमने, आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चाहे जितना बदल लें उससे उसके रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि रेट कॉन्स्टेंट होता है। फर्स्ट ऑर्डर में मैंने देखा अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करूं और रेट भी डबल हो जाए तो इसका मतलब वो क्या है, एक दूसरे के लीनियरली वेरिएबल हैं। लीनियरली का मतलब एक दोनों का पावर अगर देखें तो वन होगा, यानी कि एक को डबल करेंगे तो दूसरा डबल होगा, पहले को ट्रिपल करेंगे तो दूसरा भी ट्रिपल होगा। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, डैट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब मैं अगर सेकेंड ऑर्डर की बात करूँ तो मैं क्या लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर टू, लिखना पड़ेगा ना। हाँ, अब बताइए अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को डबल कर दूं, यानी कि मैं टू टाइम्स कर दूं, तो मुझे यहाँ टू लिखना पड़ेगा। तो बताइए मुझे क्या लिखना है, रेट इज इक्वल टू के, क्योंकि मैंने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को ट्वाइस कर दिया यानी कि टू टाइम्स कर दिया, तो टू का स्क्वायर, यानी कि मुझे रेट क्या मिलेगा, के इंटू फोर, फोर के। आप पीछे ध्यान से देखिए, मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को सिर्फ डबल किया है यानी कि टू टाइम्स, लेकिन मेरा ये जो रेट आ रहा है वो कितना टाइम्स हो गया, फोर टाइम्स। इसका मतलब ये कैसे वेरी कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब स्क्वायर फॉर्म में। अगर आप रिएक्टेंट्स को टू टाइम्स चेंज करेंगे तो रेट चार टाइम बदलेगा, अगर आप रिएक्टेंट को थ्री टाइम्स चेंज कर दें, वेरी गुड, तो बताइए फिर रेट कितने टाइम्स बदल जाएगा, हाँ नाइन टाइम्स बदलेगा, सिक्स टाइम्स नहीं, क्योंकि सिक्स टाइम्स में तो दो गुना होता है, उसकी स्क्वायर से वेरिएबल हो रहा है, थ्री यहाँ रख के स्क्वायर कर दे कितना हो जाएगा, नाइन टाइम्स। यानी कि एक चीज़ और मुझे क्लियर हो गई, वो क्या है, अगर रेट एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, इफ रेट इज वेरिंग इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म, स्क्वायर के टर्म्स में अगर वो वेरी कर रहा है, इट मीन्स दैट इज गोइंग टू शो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर है। एक और छोटा सा पॉइंट, ये तो आसान है, आप ये खुद से कर लेते हैं। थर्ड ऑर्डर के लिए अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर थ्री, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में यही होगा, क्लियर है ना। आप बताइए अगर मैं यहाँ पर रिएक्टेंट को टू टाइम्स करूँ, हाँ तो आप मुझे बताएं कि रेट कितने टाइम्स वेरी करेगा, सिक्स टाइम्स, गलत जवाब, एट टाइम्स वेरी करेगा। कैसे, सिंपल है, आप रिएक्टेंट की जगह पर टू टाइम्स वेरी करा रहे हैं ना, टू रखिए, टू का क्यूब कितना होगा, टू टू जा फोर, टू जा एट, सो एट टाइम्स हमारा रेट वेरी करेगा। वहीं पे अगर मैं रिएक्टेंट को थ्री टाइम्स कर दूं तो बताइए मेरा रेट कितने टाइम्स हो जाएगा, वेरी गुड, दैट विल वेरी 27 टाइम्स, कितने बार, 27 टाइम्स वो चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। हाँ, यानी कि अब मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, आप ये देखें, अगर रेट क्यूबिक फॉर्म में वेरी कर रहा है तो उस केस में आप कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज गोइंग टू बी थ्री, यानी कि उस टाइम पर ऑर्डर कैसा होगा, थ्री होगा, क्लियर है, एक बार समझ आ गई। अब ओवरऑल मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूँ कि आपको क्या समझना था, अगर आपके पास एक्सपेरिमेंटल डेटा और आप देख रहे हैं कि किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चाहे जितनी बार चेंज कर लो उसके रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब दैट बिलोंग्स टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन, गुड। अगर मैंने किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज किया और रेट भी बदल गया, यानी कि मुझे अब देखना होगा ये किस ऑर्डर में चेंज हो रहा है, अगर मैंने टू टाइम्स रिएक्टेंट किया और रेट भी टू टाइम्स हुआ, इट मीन्स दैट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका पावर कुछ नहीं है, पावर वन होगा। वहीं पर अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करूं और रेट फोर टाइम्स हो जाए, यानी कि मैंने टू टाइम्स किया और उसका टू का स्क्वायर फोर टाइम्स हो गया, इट मीन्स दैट बिलोंग्स टू सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं वहीं पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करूं और रेट एट टाइम्स वेरी करे, यानी कि क्यूबिक फॉर्म में, देन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज गोइंग टू बी थ्री। इतनी छोटी सी बात तो समझ ही रहे हैं। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो भी कैसे, ओरल। देखिए कैसे करेंगे,
पहली बात तो ये जो रिएक्शन है इसके लिए मैं रेट लॉ अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, रेट लॉ यानी कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ एनओ कंसंट्रेशन ऑफ सीएल टू पावर में एक्स और वाई। मेरा टारगेट ही यही है एक्स और वाई को कैलकुलेट करना। मैं दोनों को अलग अलग टर्म्स में लिख लूँ तो बताइए, अगर मैं लिखूँ रेट और एनओ के बीच का रिलेशन तो मैं क्या लिखूँगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एनओ रेस टू द पावर एक्स। इसी तरह अगर आप लिखना चाहें तो सीएल टू के लिए भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, रेट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सीएल टू रेस टू द पावर वाई। इतना तो लिख ही सकते हैं। आइए देखते हैं, पहले मैं एनओ की बात कर लूँ। अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड एक्सपेरिमेंटल डेटा में देखूँ तो एनओ की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हुई है, यानी कि मुझे ऐसे देखना जहाँ पे चेंजेस दिखाई पड़े। आइए फर्स्ट और थर्ड को देखें तो आपको चेंजेस दिखाई पड़ेगा, यहाँ 0.05 और यहाँ 0.15 है। आप अगर वेरी कराएं तो कितने टाइम्स वेरी कर रहा है, गुड 3 times। अगर आपको दिक्कत है ओरल करने में तो आप क्या करें, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करके देख ले, ये कितना वेरी कर रहा है, 3 times। यानी कि अगर मैंने देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ एनओ कितने टाइम्स वेरी किया है, 3 times। अब मुझे ऑब्जर्व करना है इसी केस में रेट कितने टाइम्स वेरी किया। देखिए फर्स्ट और थर्ड में देख रहे हैं ना, फर्स्ट की रेट कितना है 1 × 10⁻³। वहीं पर अगर हम सेकेंड की रेट बात करें, सेकेंड कंपैरिजन वाली वैल्यू, तो वहां देखिए कितना है, 9 times। अगर आप दोनों को चेक करें कितने टाइम्स वेरी हुआ तो 9 times, 10⁻³ तो सेम है 1 और 9। फिर से वही बात, अगर आपको दिक्कत है तो आप इन दोनों नंबर को डिवाइड करके चेक कर लें। मुझे क्या मिल गया कि रेट जो मेरा है ना दैट इज चेंजिंग 9 times। आप बस मुझे एक बात बता दें, अगर कंसंट्रेशन की एनओ की कंसंट्रेशन अगर मैं एनओ की कंसंट्रेशन को 3 times करता हूँ और रेट 9 times हो जाता है तो बताइए मैं 9 को कैसे लिख सकता हूँ। वेरी गुड, 3 के स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो बस देखिए मैंने इसको 3 times चेंज किया और ये 9 times यानी किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज हो रहा है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो ऑर्डर है दैट इज 2। तो देखिए मुझे क्या मिल गया, एनओ के पावर एक्स है ना, मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई कितनी, 2। बस ऐसे वाई भी ढूंढ लें हम, वाई के लिए मुझे क्या देखना है, सी एल टू। देखिए फर्स्ट और सेकेंड में ही वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, एक 0.05 है 0.15 है। आप बताइए फर्स्ट और सेकेंड के कंपैरिजन में कितने टाइम्स का अंतर आपको दिख रहा है, 3 times। रेट को भी वेरी करा के देख ले, 1 and 3। यहाँ पर रेट क्या है 1 × 10⁻³, यहाँ क्या है 3 × 10⁻³। यानी कि ये कितना वेरी कर रहा है, ये भी वेरी कर रहा है 3 times। तब बस सिंपल है, देखिए सीएल टू की कंसंट्रेशन जब आपने 3 times चेंज किया तो रेट भी 3 times ही बदला। बताइए इसकी ऑर्डर क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3। वेरी गुड, क्या होगी, 1 होगी। अगर इसका ऑर्डर 1 है यानी कि वाई की वैल्यू भी मुझे मिल गई कितना, 1। तो बस ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ ऑल पावर्स 2+1 यानी कि 3। ये जो कंप्लीट रिएक्शन है एनओ सीएल टू की, उसकी अगर मैं कंप्लीट रिएक्शन लिखना चाहूँ और उसके ऑर्डर निकालना चाहो तो मुझे क्या मिलेगा, 3। बस आ गया रेट लॉ में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू रख देंगे कितना, 2, वाई की वैल्यू रख देंगे 1। अब चाहे 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर किसी नंबर के पावर 1 है तो आप उसको छिपा सकते हैं। दैट्स ऑल, निकालना आसान था, बाकी सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट कर ही लिया है तो मुझे उनको अब टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। सो ये सब तो हो गया ना, सॉल्यूशन था। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है 0 order reaction। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको ना, ये जो रिएक्शंस हम पढ़ेंगे अब, मुझे 2 reactions आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाना है, पहला 0 order reaction और दूसरा 1st order reaction। बाकी के जो रिएक्शंस हैं आपके वो आपके हायर स्टडीज़ में आपको पढ़ाई जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस यूज की जाती हैं जो कि अभी आपके सीखने लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप उसको बिल्कुल परेशान ना हो। 0 order और 1st order को हम पूरी एनालाइज करेंगे, यानी कि एक एक टर्म्स को डिफाइन करेंगे, उनके लिए अलग अलग ग्राफ्स बनाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखना है। सीखने से पहले कुछ चीज़ें हम आपको रिमाइंड करा दें, जो आपने लास्ट लेक्चर सीखा है आगे हमारे काम आएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको सिखा रखा है, के रिएक्टेंट या के प्रोडक्ट, चाहे
रिएक्टेंट्स के टर्म में, के डिफाइन करें कांस्टेंट या प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, वो किसके इक्वल होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट मल्टीप्लाइड बाई द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, आपको याद रखना है, अगर आपके दी हुई रिएक्शन में, अगर आपके दी हुई रिएक्शन में कोई कोफिशियंट नहीं है, यानी कि जो रिएक्टेंट्स के टर्म्स हैं उसमें अगर कोई भी कोफिशियंट नहीं है, इन दैट केस आपका रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स या प्रोडक्ट दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हाँ, अगर आपके दी गई रिएक्शन में रिएक्टेंट का कोई भी कोफिशियंट नहीं है, तो उस केस में चाहे आपका रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्टेंट निकाल लें या रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन निकालें, दोनों की वैल्यू सेम आती है और हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, हम वहाँ पर स्ट्रेस नहीं डालते हैं। लेकिन मैं आपको स्ट्रेस डाल के चीज सिखाना चाहता हूँ, आपको ध्यान देना है कि अगर कभी आपके रिएक्शन में कोफिशियंट आपको मिल गया, तो वहां पे जब के की वैल्यू निकालते हैं, वो वैल्यू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन नहीं होती है, वो वैल्यू हमेशा क्या होती है, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्टेंट होती है, क्योंकि हम रिएक्टेंट के साथ डील करते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, आप वहां पे ये रिलेशन यूज करेंगे और वहां से आप रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, कर सकते हैं, आपको ये के रिएक्टेंट निकाले रहेंगे, वो वैल्यू रख देंगे, कोफिशियंट उसकी कोफिशियंट की वैल्यू रख देंगे और रेट ऑफ रिएक्शन फिर कैलकुलेट कर लेंगे उस तरह ले आकर डिवाइड करके। मैं एक बार फिर से कंक्लूड करता हूँ, आपको क्या समझाना है, अगर आपके दी गई रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट्स के टर्म में कोफिशियंट नहीं है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र जैसे आप के की वैल्यू निकालते हैं वैसे निकाल के छोड़ दें, वही के की वैल्यू रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्टेंट भी होगी और रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन भी होगी। क्यों? क्योंकि उस केस में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ही नहीं, ये गायब, तो क्या बचा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर कोफिशिएंट है तो फिर आपको यहां से उसको कंक्लूड करना होगा, आप इसी का ध्यान रखेंगे। चलिए, ये तो हो गई छोटी छोटी बातें, अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो बार और चीजों को आपको कंक्लूड कर दूं, जैसे कुछ इंटीग्रेशन के टर्म्स। हाँ, अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखना चाहूँ तो मेरी वैल्यू क्या होती है, x होती है। आप ऐसे याद रखें, सिंपल सा इंटीग्रेशन के सिंबल के साथ अगर मैं dt लिख दूँ तो इसका इंटीग्रेशन t हो जाता है। एक चीज़ बहुत ही छोटी सी है, याद रखेंगे। चलिए, इसी के साथ साथ एक और टर्म्स आपको डिफाइन करना पड़ सकता है, 1/x dx, यानी कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1/x के यूज आगे करना है, तो आप उसको भी देख लें। अगर आपको डिफरेंशिएशन याद है तो आपने पढ़ रखा होगा कि d बाई डी एक्स ऑफ log x की वैल्यू होती है 1/x। वहीं पे इसी का अपोजिट, अगर मैं 1/x को इंटीग्रेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, log x, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, ln x या log x। ध्यान रहे, ln का मतलब क्या होता है, नेचुरल log, यानी कि इसके बेस कुछ नहीं है। हाँ, इसका ना बेस 10 है ना कुछ नहीं है, इसको बेस 10 बनाने के लिए मुझे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो आपने पहले ही सीख रखा है। चलिए, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज, आपको log के कुछ वैल्यूज याद होंगी, जैसे log 2 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3 एग्जैक्ट नहीं होती, इसके आसपास होती है, हम कैलकुलेशन में कितना लेके चलते हैं, 0.3। एक और इम्पोर्टेंट है ln2, अभी ln2 क्या बोला है, सेम चीज़ है, यहाँ पर log 2 के बेस में 10 है और यहाँ पर बेस में कुछ नहीं है, नेचुरल log है, तो उस केस में log 2 की वैल्यू होती है 0.693, कितनी होती है, 0.693। अगर आपको ये याद रह जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, ये तो आपको पहले से पता है, पिछले चैप्टर्स हमने यूज किया है, आपको सिखाया भी है। चलिए, सो हमारा टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बताइए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन या कोई भी
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन किसी को भी हम डिस्कस करते हैं, तो उसके लिए हम कौन सी रेट डिफाइन करके आगे बढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आपको याद होगा पहले मैंने जब इसको पढ़ाया था एवरेज और इंस्टेंटेनियस, तो मैंने वहाँ भी कहा था कि अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन लिखने को दिया गया, उसने ये नहीं मेंशन किया कि आपको एवरेज लिखना है या इंस्टेंटेनियस, तो उस केस में हमेशा हम किसको प्रीफर करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं एनालिसिस, इसमें हमें ये सीखना है कि मान लीजिए रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो क्या होगा, लगातार रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इतना तो क्लियर है। अब मुझसे वो ये पूछेगा कि मान लीजिए रिएक्शन स्टार्ट हुई तो उसके दो मिनट में या ठीक दो मिनट के बाद उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, रिएक्टेंट का कितना हो गया होगा, रिएक्टेंट का कम हो गया होगा, प्रोडक्ट का कितना हो गया होगा, जितना रिएक्टेंट कम हुआ होगा उतना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा उसी के रेशियो में। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हमें इनका यूज करना होगा। तो बताइए अगर मुझसे वो पूछेगा 10th सेकेंड पर, यानी वो इमीडिएट उसी सेकेंड में पूछ रहा है कि रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट ऑफ सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा पूछेगा, तो मुझे इमीडिएट बताना है, मैं वहाँ क्या डिफाइन करता हूँ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सिर्फ मैं नहीं आप भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है, ऑल द कैलकुलेशंस विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट। याद रखिएगा डेफिनेशंस की अगर मैं बात करूँ तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, पहले भी मैंने बताया सिग्निफिकेंस जब पढ़ाया था तब भी कि अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो आप चाहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दो गुना कर दे, चार गुना कर दे, छः गुना कर दे या आधी कर दे, उससे उसकी रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। कर सकते हैं, तो देखिए यही चीज लिखा गया है, दीज आर द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दैट्स ऑल। कर सकते हैं, चलिए अगर मैं एक जनरल रिएक्शन लिख दूं तो क्या हो गया, कोई भी एक रिएक्टेंट है ए जो कि रिएक्शन के बाद किसमें कन्वर्ट हो रहा, प्रोडक्ट में पी, अगर मैं इसके लिए रेट लॉ लिखना चाहूं तो बताइए मैं क्या लिखूंगा, वेरी गुड, रेट इज इक्वल टू के फिर रिएक्टेंट रेस्ट टू द पावर जीरो। अब सोच रहे होंगे सर यहाँ पे ए क्यों नहीं है, रिएक्टेंट की जगह पे ए है, आप लिख ले, आप अगर चाहें तो आप इस रेट लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेस्ट टू द पावर जीरो। पावर जीरो क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन वही रिएक्शन होती हैं जिसमें कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्लियर किया था कि अगर किसी भी नंबर के पावर जीरो है दैट डजंट मैटर, वो नंबर बड़ा है छोटा है माइनस है प्लस है, अगर पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, वन, तो के इंटू वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि रेट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, के इक्वल होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। यानी कि अगर कभी भी आपको रेट कांस्टेंट के इक्वल मिल गई या रेट हमेशा कांस्टेंट मिल रहा है, लगातार कंसंट्रेशन आप बदल रहे हैं फिर भी उसका कोई इफेक्ट उसके रेट पे नहीं पड़ रहा है, इट मीन्स दैट रिएक्शन बिलोंग्स टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, चलिए कुछ हम इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लें। तो पहला एग्जाम्पल फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है, सिंपल सी बात है, फोटो का मतलब ही होता है लाइट। दोज रिएक्शंस विच हैपेंस ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज नोन एज यस फोटोकेमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल में हाँ आप ले सकते हैं फोटोसिंथेसिस, आपने देखा ना वो हमेशा तभी पॉसिबल है जब सनलाइट हो वहाँ पर, राइट। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो कि सन की प्रेजेंस में ही होंगी। अब मान लीजिए मैं कोई एक रिएक्शन लिख रहा हूँ ए गोज टू बी, और मैंने कहा ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब सनलाइट हो, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो मोल ए लिया है और मुझे दो मोल बी मिल रहा है, ठीक है। इसका रिएक्शन कंप्लीट होने पर दो मोल ए कन्वर्ट होकर मुझे क्या दे रहा है, दो मोल बी। लेकिन ये काम कब होगा, जब सनलाइट होगी। अब मान लीजिए मैं
इनको इस पूरे रिएक्शन को कहाँ कराऊँ, एक ऐसे रूम में ले जा के कराऊँ पूरा डार्क रूम जहाँ पे सनलाइट बिल्कुल नहीं है, तो क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। अब ये मैं अगर उसी डार्क रूम में इसको 5 मोल कर दूँ तो बताइए प्रोडक्ट कितना बनेगा, 2 मोल, 5 मोल या कुछ भी नहीं? हाँ, एक्चुअली यहाँ प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं बनेगा। क्यों? अभी तो मैंने कहा कि ये रिएक्शन तभी स्टार्ट होगी जब यहाँ पे लाइट होगी। डार्क रूम के अंदर लाइट जब है ही नहीं तो रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुआ, और जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी ए का रिएक्ट कंसंट्रेशन कम नहीं होगा तो बी का कंसंट्रेशन बढ़ कैसे सकता है? जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट बनेगा ही कैसे? एकदम ध्यान रखना है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, मैं सिंपल सी बात ये कह सकता हूँ कि ये सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा, लाइट पर। एक बात दूसरी, अब मान लीजिए ऐसे सब आर्बिट्री वैल्यू है, बस सिर्फ आपको मानना है, अगर मैं 5 मोल ए ले लूं, ठीक है, इसको पूरा रिएक्शन कंप्लीट करने में 5 मोल बी मुझे मिलेगा, कराने के लिए मान लीजिए मुझे एक्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए, यानी कितनी लाइट चाहिए, ये अमाउंट है इंटेंसिटी, कितनी चाहिए मान लीजिए एक्स चाहिए, ठीक है, इतना जब लाइट मिलेगा तो ये 5 मोल ए 5 मोल बी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर मैं लाइट को एक्स इंटेंसिटी से कम दूं तो भी क्या मेरा रिएक्शन पूरा 5 मोल वाला कंप्लीट होगा या कम ही रह जाएगा? हाँ, इनकम्प्लीट रह जाएगा, जितनी लाइट मिलेगी उतनी कंप्लीट होगा, बाकी जो एक्स्ट्रा बच गया वो वैसे ही रह जाएगा, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। एक चीज़, अगर मैं एक्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट दूं और रिएक्शन को ये जो कंसंट्रेशन है इसको बढ़ा के मैं 10 मोल कर दूं, ध्यान से सुनिएगा अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं लाइट के अमाउंट फिक्स रखा हूं एक्स, जितना इंटेंसिटी इसको 5 मोल से बी में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए था उतना ही दे रहा हूं, और मैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा के 10 मोल कर दूं, तो बताइए मुझे प्रोडक्ट में कितना मिलेगा, 10 मोल या 5 मोल? 5 मोल ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि 5 मोल जैसे ही ए से बी में कन्वर्ट होगा उसी के बाद ये जो लाइट के अमाउंट थी वो तो खत्म हो गई, लाइट खत्म, रिएक्शन रुक जाएगी। बहुत ही ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, सब कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है, लाइट पे। अगर आप लाइट इतनी ही दे रहे हैं कि आपके 5 मोल ए 5 मोल बी में कन्वर्ट हो सके, तो फिर आप चाहे से 50 मोल ले ले या 100 मोल ले ले या 200 मोल, जब भी आप रिएक्शन कराएंगे तो सिर्फ 5 मोल ए ही 5 मोल बी में कन्वर्ट होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रुका रहेगा, और वो तब तक रुका रहेगा जब तक आप वापस से और अमाउंट ऑफ लाइट वहाँ नहीं एक्सपोज कराते हैं। यानी कि सिंपल शब्द में ये कहें कि ये सारा रिएक्शन इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, बढ़ाने पे कोई इफेक्ट आएगा कि नहीं, सब कुछ एक ही बात पर डिपेंड कर रहा है, एंड दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एच न्यू। मैंने पहले भी डिस्कस किया था एच न्यू किसका सिंबल होता है, सनलाइट। हाँ, आपको याद होगा ना हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ई इक्वल टू एच न्यू, याद है या नहीं? नहीं याद है? दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, लाइट के पैकेट्स को फोटोन कहते हैं ना, जो लाइट के पैकेट्स आती है उसकी एनर्जी हमने कैलकुलेट किया था, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज एच न्यू, ठीक है। तो चलिए इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे, देखिए मेरे सामने दिया है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का रिएक्शन, एच टू गैस रिएक्ट विद सी एल टू गैस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एच न्यू। एच न्यू क्या है? दिस इज शोइंग द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड देन दे गिव अस 2HCl गैस। मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस, सिर्फ यही रिएक्शन नहीं, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी ऐसी रिएक्शंस जो कि सनलाइट के ही प्रेजेंस में होती हैं, दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। जितने ज़्यादा लाइट की अमाउंट आप रखेंगे रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी, लाइट की अमाउंट जितनी कम करते जाएंगे रिएक्शन उतनी कम होगी, और अगर आपने लाइट को ही गायब कर दिया तो रिएक्शन होगी ही नहीं। समझ में आ गया मेरी बात? चलिए इसी तरह से अगर मैं सेकेंड बात करूँ, सेकेंड पॉइंट की, तो होते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस। ऐसे बहुत सारी गैसेस हैं जो कि मेटल के सरफेस पे जब आती हैं, हाँ मेटल के सरफेस पे आती है, जैसे मारा ये मेरा हैंड है, ये कोई एक मेटल प्लेट है मेटल का, जब इस पे वो टच करती हैं तभी वो क्या करती हैं, रिएक्शन स्टार्ट होती है। इसका मतलब क्या? हाँ, इसका मतलब सेम वही चीज़ कही जा रही है, वहाँ पर किस पर डिपेंड करता था, लाइट पे,
यहाँ ये किस पे डिपेंड करेगा, ये जो एरिया होगी प्लेट के उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना एरिया एक्सपोज है। अगर बड़ा प्लेट ले ली तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, छोटे प्लेट में सरफेस एरिया कम होगी तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। यानी कि मैं एक बार फिर से आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कितना रिएक्टेंट लिया है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जिस मेटल पे इसे एक्सपोज कराया जा रहा है उस मेटल का सरफेस एरिया बड़ा है छोटा है या बहुत छोटा है। छोटा होगा तो कम, बड़ा होगा तो ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल आप अगर ले लें एच आई गैस हाइड्रोजन आयोडाइड, तो वो क्या होता है जब आप उसको गोल्ड के प्लेट्स या सरफेस पे क्या करते हैं एक्सपोज कराते हैं तभी जाके वो हाइड्रोजन और आयोडीन गैस में ब्रेक डाउन होता है। तो ऐसे रिएक्शंस भी क्या होते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। अब मान लीजिए प्लेट, आपने छोटा सा प्लेट लिया उस पर आपने 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड को कराया, वो ब्रेक हो गया कंप्लीट। अब आपने कहा कि नहीं मैं 10 मोल कराऊंगा उतने ही प्लेट पे, तो नहीं होगा क्योंकि प्लेट उतनी ही है, एक्सपोज एरिया उतनी है। क्योंकि आपने ये चीज़ फिक्स कर दिया तो रिएक्शन भी 2 मोल होने के बाद वो रुक जाएगा। यानी कि अगर आपको रिएक्शन बढ़ानी है रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसके लिए ये जो प्लेट की साइज होगी उसको बड़ा करना पड़ेगा। यही चीज़ आपके यहाँ पर अमोनिया गैस में भी होता है। इसके लिए आपको या तो मोलिब्डेनम या प्लेटिनम की जो प्लेट है उसको लगाना होगा, और ये जो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा एक्सपोज होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। एक बार फिर मैं दोनों ही एग्जाम्पल्स आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, एक्सपोज फैक्टर पे। पहला फोटोकेमिकल है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट के अमाउंट पे। दूसरा अगर डिकम्पोजिशन ऑन द मेटल सरफेस हो रहा है तो उस जो मेटल की सरफेस की एरिया है उस पर डिपेंड करेगी। चलिए अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आसान भी है। और ध्यान रहे मैंने इम्पोर्टेंट कह दिया इसका मतलब ये नहीं कि आपने रटना शुरू कर दिया, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही सिंपल है और अगर आपने इसको रट लिया तो समझिए कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा आपको उसको भी रटना पड़ेगा। तो बिल्कुल रटने पर ना जाए, आप चीज़ों को समझे क्या कैसे हो रहा है। अगर आपके माइंड में एक बार ये बैठ गया तो फिर कभी भी आपसे कोई कह दे आप थोड़ा डिराइव करके चीज़ को दिखा सकते हैं। सही बात है। चलिए हाँ, मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है ए गोज टू पी, और ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की, क्योंकि मैं जीरो ऑर्डर ही पढ़ा रहा हूँ अभी। तो देखिए मेरे पास कुछ डिटेल्स है जो कि मुझे मान के आगे बढ़ना है, आप भी उसको ऐसे ही मान लें। टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर, यानी कि मेरा रिएक्शन अभी स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हुआ नहीं है, रिएक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी वो सबसे कम होगी या सबसे ज़्यादा होगी। हाँ उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लगातार कम होने लगेगी और वो कम होती ही जाएगी। राइट, ठीक है। यानी कि मैं अगर कंसंट्रेशन मार दूँ द मैक्सिमम, तो उसको मैं क्या कहता हूँ, ए नॉट। ए नॉट क्या है, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इन द इनिशियल कंडीशन। ये चीज शायद आपको विजिबल, एक मिनट हम देख ले है या नहीं। हाँ हो जाएगा, विजिबल है। तो देखिए ए नॉट क्या है, ए नॉट इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए कितना था। कई बार आपको बुक्स में यहाँ पर सिर्फ ए, स्मॉल ए भी लिखा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको जो सही लगे आप ले लें, हम तो ए नॉट और ए टी लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे अभी आपको पता भी चल जाएगा, ताकि कन्फ्यूजन्स कम रहें। अब टाइम टी पे, इनिशियल टाइम पे अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो वो तो फिक्स था कि हमेशा ए नॉट की वैल्यू जितनी है उतनी है। जैसे कि रिएक्शन करानी है तो मैंने ले लिया कि 5 मोल मुझे रिएक्टेंट लेना है, तो ठीक है वो तो 5 मोल ही रहेगा ना, बदलेगा थोड़ी है। जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तब वो बदल जाएगा। यानी कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको याद रखना है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमेशा कांस्टेंट होती है। क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। अब कुछ देर रिएक्शन चलने लगी तो बताइए क्या अभी भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उतनी ही होगी या लगातार कम हो रही होगी, लगातार कम हो रही होगी। तो मतलब किसी टाइम टी पर, मुझे नहीं पता
किस टाइम पे। मैं टाइम टी पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइम देगा, तो मैं एक जनरलाइज फॉर्म आपको रिलीज करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या कहूँ, किसी भी टाइम टी पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उसको मैं क्या कह सकता हूँ, ए टी। क्या कह सकता हूँ, ए टी। अब अगर आप बुक्स की बात माने तो बुक्स ये कहती हैं कि इनिशियल टाइम टी इक्वल टू जीरो पे कंसंट्रेशन आपने ए ले लिया, टाइम टी इक्वल टू टी पर मतलब कुछ टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ए माइनस एक्स हो जाती है। माइनस एक्स का मतलब इतना इतना कंसंट्रेशन कम हो गया। ये बात तो सबको पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिएक्शन के स्टार्ट होने के ठीक बाद लगातार कम होने लगेगी, तो कितना कम हुई, तो वो कहते हैं कि एक्स अमाउंट कम हो गई। तो आप चाहे तो ए और ए माइनस एक्स के टर्म्स में लिखे, या फिर हमारी बात माने टाइम टी इक्वल टू जीरो पर आप इसको लिखे ए नॉट, और टाइम टी पे क्या लिखे इसको, ए टी। एक चीज एकदम क्लियर है, चले ये आपको क्लियर हो गया। आप इनके नोटेशंस का बहुत ध्यान रखेंगे कि किसका क्या मतलब है। ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट टाइम टी, उस टाइम पे जिसमें आप चेक कर रहे हैं कि अभी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना बचा है, दैट इज ए टी या ए माइनस एक्स। वहीं पे अगर मैं आर इंस्टेंटेनियस लिखने चाह लूँ, यानी कि रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखूँ किसी भी टाइम टी पर, तो बताइए मुझे क्या लिखना होगा। हाँ, आर इंस्टेंटेनियस एट टाइम टी मैं लिखने चलूँ तो पहले बताइए कि मैं क्या लिखूँगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप बताइए टाइम टी पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, ए नॉट या ए टी। हाँ, कितनी है, दैट इज ए टी। तो मैं क्या लिख दूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए टी। एक चीज, या फिर अगर आप दूसरा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो आप वहाँ क्या लिखेंगे, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ टाइम टी पे कंसंट्रेशन उनके हिसाब से कितनी होगी, ए माइनस एक्स। होगी ना, क्लियर है। तब चाहे इस टर्म में डिफाइन करें या इस टर्म में डिफाइन करें। एक चीज़ और, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप देख लें, ये जो ए है, ए क्या है, ए इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। पता है क्या ये चेंज होता है, ये वेरिएबल है या कॉन्स्टेंट। हाँ, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था ये कॉन्स्टेंट रहेगा। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने चलूँ तो बताइए मैं क्या लिखूँगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए माइनस, एक मिनट इसको आप ऐसे लिख लें, माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए माइनस एक्स। मुझे इसको सॉल्व करना है, पहले आप इस माइनस को अंदर भेज दें, ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ माइनस ए, ये हो जाएगा प्लस एक्स, हो जाएगा ना। ठीक है, जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ माइनस ए प्लस डी बाई डी टी ऑफ एक्स। आप देखें ए क्या मेरा कांस्टेंट, और मैंने आपको पहले बताया भी, अगर सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल भी है तो कांस्टेंट आप बाहर रखेंगे, उसको जीरो नहीं करेंगे। अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी। प्लस एक्स क्या है, एक्स तो वो अमाउंट है जितना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो गया टाइम टी पर, और ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये वैल्यू उतनी भी बड़ी होती जाएगी। इट मीन्स दिस इज वेरिएबल, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। तो ठीक है, आप याद रखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप लिखें तो आप दो चीज तरह से लिख सकते हैं, एक तो ये लिखेंगे माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए टी, या दूसरा आप इसको क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, डी बाई डी टी ऑफ एक्स या डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं। फिलहाल हम इसको यूज नहीं करेंगे, सही बिल्कुल है, लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम इस वाले टर्म्स को लेके आगे बढ़ेंगे। इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब मैं रेट लॉ लिखूंगा। चलिए, अगर मैं रेट लॉ लिखना चाहूं तो बताइए मैं क्या लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ, बताइए मैं यहाँ क्या लेके चलूँगा, ए टी। ठीक है, और दूसरा
अगर रेट लॉ आप उसके टर्म्स में लिखना चाहें, ठीक है, पावर्स के टर्म्स में, तो आप क्या लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी कितना है, 80, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर कितना रहेगा, जीरो। ध्यान से समझिए, एक तो मैंने ये लिख दिया, ये तो आसान सा है। दूसरा, इसको मैंने कंबाइंड फॉर्म में लिखा था, आप यहाँ देख लें, रेट लॉ अगर आप लिखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, आप क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी कितना है वो 80 एंड रेस्ट टू द पावर जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। बताइए ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 80 के पावर जीरो यानी कि 1, ये वैल्यू क्या मिलेगी, रेट इज इक्वल टू के मिलेगी ना। तो इन दोनों को मैंने कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया, क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी बाई डी टी ऑफ 80 इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, k इंटू 1 की वैल्यू k आ जाएगी, इतना सही है। अब बस क्या करना है आपको, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, माइनस को उधर भेज दे, तो ये क्या बन जाएगा, डी 80 अपॉन डी टी इज इक्वल टू k, इतना बनेगा। फिर आप क्या लिख सकते हैं, डी 80 इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पर माइनस किया है ना, यहाँ वाला माइनस उधर भेजे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसको उधर भेज दे, उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, वेरी गुड, के डी टी बन जाएगा, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी माइनस टाइम्स ऑफ के डी टी, बस हो गया। उसके बाद हम क्या लिख लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब मैं दोनों साइड को क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, तो बताइए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी 80 एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी लिख सकते हैं। तो बस बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई की वैल्यू क्या होगी, हाँ वाई। उसी तरह से अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ आपसे 2dx पूछ लूँ, तो देखिए एक तो x वेरिएबल का टर्म मिल गया आपको, दूसरा कांस्टेंट, तो उस केस में कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dx बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू क्या आएगी, x आएगी, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x। साफ शब्दों में हमें यह कहें है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको इंटीग्रेशन करते वक्त कोई कांस्टेंट मिलता है तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दें और सिर्फ वेरिएबल को ही इंटीग्रेट करें, एक बात चले आइए। दूसरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सा है, ये क्या है, 80 यानी कि कंसंट्रेशन की बात हो रही है रिएक्टेंट की। तो देखिए अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करें, कहाँ गया, ठीक है, तो देखिए पहले कितना था, ए नॉट, इनिशियल कंडीशन कितना था, ए नॉट, और टाइम टी पे कितना हो गया, 80। लिमिट्स लिखना सिखा रहे हैं हम आपको, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत सिंपल से होते हैं लिमिट्स, आपको देखना है इनिशियली कितना था, ए नॉट, और टाइम टी पे कितना हो गया, 80, यानी कि जब आप इनके लिमिट्स लगाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, ए नॉट, और यहाँ लिखेंगे 80। एक चीज, अब ये देखिए किसके रिस्पेक्ट में जा रहा है, टी के रिस्पेक्ट में, आप चाहें तो के को यहाँ बाहर ही निकाल लें, इसको लिख लें माइनस के डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में, इनिशियली टाइम कितना था, टी इक्वल टू जीरो, फिर किस टाइम पे हमारा टाइम डी टी हुआ है, टी, यानी कि जीरो से लेकर टी तक, अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पर देख लें। देखिए पहला टाइम टी इक्वल टू जीरो था, दूसरा टाइम इक्वल टू टी है, वैसे ही ए नॉट और 80 था, तो मैं इन्हीं को लिमिट बना लूँ, तो चले लिमिट तो बन गया। अब मैं इंटीग्रेट करूँ, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी 80 मैं लिखूं तो मेरा क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन 80 के वैल्यू मिलेगी। हाँ, यानी सिंपल वर्ड्स में कहेंगे अगर डी के साथ कोई वेरिएबल लगा हो उसको इंटीग्रेट करें तो डी हट जाता है और सिर्फ वो वेरिएबल आपको मिलता है, मिल गया ना। अब लिमिट्स लिखते हैं, लोअर लिमिट कितना है, ए नॉट, और अपर लिमिट कितना है, 80, ऐसे ही इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के डी टी है, इंटीग्रेट होकर क्या बन जाएगा, टी, और लिमिट्स लगाएं तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट टी, इतना तो लिख ही सकते हैं। चलिए अगर आपने इतना लिख लिया तो बस काम हो गया आपका। देखिए लिमिट्स की वैल्यू रखना आसान होता है, पहले बात आप अपर लिमिट रखें 80 की जगह पर, 80 की जगह पर ये वाला 80 रख लें, माइनस
लोअर लिमिट रखे, तो ए टी की जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ए नॉट। यानी कि ये वैल्यू हो गई ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू ये माइनस के। अब फिर सब इनके लिमिट रखने की कोशिश करें, टी की जगह पर अपर लिमिट टी है तो फिर से टी लिख लिया मैंने, माइनस टी की जगह पर लोअर लिमिट कितना है जीरो, तो टी की जगह पर मैं जीरो लिख लूंगा, ये बात बन गई। अब इसको आप थोड़ा सा और अरेंज कर ले तो ये बन जाएगा ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से माइनस के का, तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि मुझे ये निकालना था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी, तो मैं फॉर्मूला बनाने के लिए क्या कर लूँ, ए टी इज इक्वल टू, आप एक काम करें माइनस ए नॉट को उधर भेज दें, तो उधर आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस ए नॉट, या फिर अगर मैं इसको और अरेंज करके लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ रहा है, आसान है, कर सकते हैं? हाँ, एक दो बार तो आपको प्रैक्टिस करनी है, रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना, अपने आप ये हो जाएगा, आपको ये रिएक्शन याद रखनी होगी, ये रिएक्शन हमें हमेशा काम आएगा। कर सकते हैं, क्या है ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, फिर आपको डिफाइन करना होगा यहाँ पे ए टी ए नॉट के टी सब क्या है, तो आप लिखेंगे ए टी इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए एट टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी ए टी, जिसको अगर मैं बुक के लैंग्वेज में लिखूं तो क्या लिखना होगा ए माइनस एक्स के इक्वल लिखना होगा। फिर वहीं पर ए नॉट है तो बताइए ए नॉट क्या होता है, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट इनिशियल कंडीशन या एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, जब रिएक्शन भी स्टार्ट नहीं होती उस केस पे, और ये वैल्यू हमेशा क्या होती है कॉन्स्टेंट होती है, याद रखना है ठीक। और क्या है के टी, तो के तो क्या है इट इज द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, यही क्या बनता है रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन भी बनता है, कब, अगर कोफिशियंट नहीं है तब, ध्यान रहे अगर कोफिशियंट नहीं है तब, अगर कोफिशियंट दे दिया गया स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट रिएक्टेंट साइड में, तो फिर आपको वो फॉर्मूला जो मैंने अभी सिखाया था के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट इनटू के रिएक्शन, तो वहाँ उसमें वैल्यू रख के सॉल्व करना पड़ेगा आपको, कर सकते हैं ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो रिएक्शन था ए गोज टू पी उसमें कोई कोफिशियंट नहीं है, इसीलिए मैं डायरेक्ट के को ही के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिख लूँ या के रिएक्शन लिख दूँ, वैल्यू सेम है और कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कब आएगी, हाँ जब आप क्या करेंगे वहाँ पर कोई कोफिशियंट होगा और यही चीज़ डायरेक्ट लिख के आ जाएंगे तब होगी। एक चीज़ हो गया ए नॉट की वैल्यू आ गई, फिर इसमें क्या है टी है, तो टी क्या होता है टाइम होता है तो आपको पता ही है, तो बस आपको एक छोटा सा रिलेशन याद रखना, दैट इज ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, याद रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कुछ ग्राफ्स की बात कर लेते हैं, आपको मैंने क्लास 11 में ग्राफ सिखाए थे आपको याद होंगे, अगर नहीं याद हैं तो एक बार फिर से हम सिखाते हैं आप सीख लें ठीक है, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ेगी। पहला ग्राफ y इक्वल टू के, y इक्वल टू के का मतलब जब y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, किसी कॉन्स्टेंट का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो बस आपको एक लाइन स्ट्रेट खींचनी होती है, ये कॉन्स्टेंट ग्राफ होता है। यहीं पे अगर y इक्वल टू माइनस के का ग्राफ बनाना हो तो बिल्कुल सही, माइनस का ग्राफ हमेशा कहाँ बनता है नीचे, यानी कि यहाँ बना देंगे, दैट्स ऑल। एक चीज तो ये तो हो गया वाई इक्वल टू के का ग्राफ, नेक्स्ट ग्राफ हम बनाएंगे वाई इक्वल टू एम एक्स का, तो देखिए जब भी आपको वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बनाना हो ग्राफ हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, राइट। तो देखिए ये जो एम एक्स की वैल्यू है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वहीं पे अगर ये ग्राफ मुझे बनाना था वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स के, तो बताइए मेरे ग्राफ कैसा बनता, पहले तो हम इसको बड़ा कर लें, इसी पे दिखा देते हैं हम आपको ग्राफ,
तो ये ग्राफ ओरिजिन से ही स्टार्ट होता लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एम एक्स एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस एम एक्स। ठीक है, अब वहीं पर अगर मुझे ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का बनाना है, एम एक्स प्लस सी यानी कि कॉन्स्टेंट आ गया वो भी कैसा प्लस में है, तो ग्राफ मेरा ऊपर जाके बनेगा। मान लेते ये वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होती है सी, तो अगर आप यहाँ से ग्राफ बनाएंगे तो एम एक्स देखिए कैसा है पॉजिटिव, तो ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। वहीं पे अगर आपका ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, तो प्लस सी यानी कि ग्राफ ओरिजिन के ऊपर यहाँ पे, लेकिन माइनस एम एक्स का मतलब ग्राफ कहाँ जा रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये बनेगा माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ। अब नेक्स्ट ग्राफ आप देखें, ग्राफ को रटने के चक्कर में ना पड़े, ग्राफ का नेचर समझ ले, अगर फिर भी दिक्कत है तो आप क्लास 11 की जब हम चैप्टर 5 पढ़ाए वहाँ ग्राफ सिखाए तो उनको एक बार पलट कर देख लें। नेक्स्ट हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, माइनस सी कहाँ मिलेगा, वेरी गुड, ओरिजिन के नीचे, तो ये पार्ट तो विजिबल ही नहीं है, खैर कोई नहीं यहाँ मान लेते हैं माइनस सी। देखिए माइनस सी तो मुझे मिल गया नीचे, लेकिन एम एक्स की वैल्यू अभी भी क्या है पॉजिटिव, यानी ग्राफ कहाँ जाएगा ऊपर ही जाएगा, स्टार्ट नीचे से होगा लेकिन जाएगा कहाँ ऊपर। अब एक और ग्राफ बच्चा, दैट इज वाई छोटू माइनस एम एक्स माइनस सी, माइनस सी का मतलब ओरिजिन के नीचे और माइनस एम एक्स का मतलब नीचे ही जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये ग्राफ ऐसा बनेगा। शायद ये पार्ट आपको विजिबल ना हो, ना गड़बड़ हो गई, कोई नहीं थोड़ा सा एडजस्ट कर लें आप। ठीक है, तो मैं आपको माइनस एम एक्स माइनस सी का ग्राफ दोबारा बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा माइनस सी है और मुझे माइनस एम एक्स माइनस सी का ग्राफ बनाना है, माइनस माइनस एम एक्स माइनस सी, तो माइनस सी तो मुझे मिल गया ओरिजिन के नीचे, माइनस एम एक्स मतलब वो भी कहाँ जाएगा नीचे ही जाएगा, यानी ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लियर है, एक और ग्राफ आपको ज़रूरत पड़ सकती है और वो ग्राफ क्या है, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई के पावर एक्स, यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो ये ग्राफ क्या बनता है, ये हमेशा ग्राफ ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होगा, इस तरह बनेगा। वहीं पे अगर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना हो नेगेटिव डायरेक्शन में तो ये ग्राफ कहाँ बन जाएगा, फिर ऐसे नीचे की तरफ बनेगा। खैर वो जब आएगा तो देख लेंगे, फिलहाल आप इन ग्राफ्स को देख लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आपको एक ग्राफ देते हैं, आप उस ग्राफ को बनाएं। ग्राफ किसके लिए बनाना आपको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। मैं आपको एक्सिस डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे आपका रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर आप एक के टर्म्स में लिख लें कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर आप डिफाइन कर लें रेट। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो बताएं ग्राफ कैसा बनाएंगे आप, एक तो ये बना सकते हैं, तो ये रेट है ना रिएक्टेंट को आप ए में लिख लें। ठीक है, हाँ आप, या फिर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही लिख ले कंप्लीट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बताइए ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, देख ले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप लिखना चाहें तो रेट की वैल्यू क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट के इक्वल होती है, वाई इक्वल टू के, एक्चुअली होता क्या है के रिएक्टेंट का पावर जीरो, यानी कि ये वैल्यू वन, यानी कि रेट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इतना तो पता ही है आपको। तो देखिए रेट क्या है मेरा वाई एक्सिस पे, तो मैं यहाँ वाई लिख लूँ, और यहाँ पे क्या है मेरा x एक्सिस जो कि कंसंट्रेशन का टर्म है। क्या मेरे इस इक्वेशन में कहीं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का टर्म बचा, नहीं बचा ना, ये तो जीरो पावर में था यानी कि वन, ये तो कैंसिल हो गया खत्म, क्या बचा सिर्फ k, k क्या है एक कांस्टेंट है। तो बताइए y इक्वल टू k का ग्राफ, हाँ कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बनेगा, बहुत सिंपल ये बन जाएगा ग्राफ। तो अगर कभी आपको कोई रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ग्राफ कैसे बनाए जीरो ऑर्डर में, तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, कर सकते हैं। चलिए देखिए ग्राफ आपके सामने है, रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच क्या है एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, इसलिए एकदम स्ट्रेट लाइन बना है। क्यों बना है वो आप देख ही सकते हैं, रेट कांस्टेंट होता है, तो ठीक है रेट वाई एक्सिस हो गया
और यहाँ पे कॉन्स्टेंट यानी कि के वाई छोटो के का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। क्लियर है, कर सकते हैं। चलिए ये सारी वही चीजें हैं जो मैंने आपको करके दिखा दी हैं। हाँ, एक ग्राफ और बनाना है, आइए उस ग्राफ को डिस्कस करते हैं। ग्राफ किसके किसके बीच बनेगा, देखिए अभी जो मैंने इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिफाइन किया वो क्या था, ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, राइट। तो एक ग्राफ और यहाँ भी हमें देखने को मिलता है, किसके किसके बीच, ए टी और टी के बीच। अभी आपके माइंड में आएगा बाकियों के बीच क्यों नहीं, बहुत सिंपल सा है, ग्राफ हम वेरिएबल्स के बीच ड्रॉ करते हैं। क्या ए टी वेरिएबल है, हाँ बिल्कुल है। ए नॉट वेरिएबल है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रहे। ए नॉट क्या है, इट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और मैंने कहा था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हमेशा फिक्स होगा, एक बार आपने रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया तो वापस से अलग से लाकर नहीं मिलाते हम, वो वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, यानी कि ये कॉन्स्टेंट। के भी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो मुझे जो ग्राफ बनाना है दैट इज द ग्राफ बिटवीन टाइम टी एंड ए टी, इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी। तो बस ग्राफ तो यू बन जाएगा, देखिए कैसे ए टी क्या है मेरा वाई एक्सिस पे, तो मैं ए टी की जगह पे क्या लिख लूँ, वाई लिख सकता हूँ ना। अब देखिए ए नॉट, ए नॉट क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, क्या मैं उसको सी लिख लूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, माइनस के टी, ये क्या बन गया एम एक्स, के को मैंने एम लिख दिया और टी क्या है मेरा एक्स एक्सिस पे है, तो बन गया ना वाई इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। देखिए सी कैसा मेरा पॉजिटिव, यानी ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो गया ऊपर से, ओरिजिन के ऊपर से। एक बात, ये गैप कितनी होगी, ये सी के बराबर होगी, और सी कितना है यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू ए नॉट, यानी कि ये गैप अगर मुझसे कोई पूछ ले यहाँ पर कितना है तो वो वैल्यू है ए नॉट। एक्सिस ए टी की है लेकिन ये वैल्यू किसकी है, ए नॉट की, इतनी सी, क्योंकि यही सी है। माइनस एम, एम तो स्लोप हो गया एक्स, बताइए वाई इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, या माइनस एम एक्स प्लस सी, देखिए तो माइनस एम एक्स क्या कर रहा है, ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे, नीचे जाएगा, तो ये ग्राफ कहाँ जाएगी, लगातार नीचे चली जाएगी। बस अब इसके लिए अगर आप स्लोप डिफाइन करें, स्लोप एम की वैल्यू, तो बताइए एम की जगह पे यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए वाई ए टी हो गया, सी ए नॉट हो गया, माइनस माइनस हो गया, के की जगह पे एम है ना, यानी कि एम की वैल्यू क्या है, के इक्वल आएगी, यानी कि रेट कांस्टेंट के इक्वल आएगा। ग्राफ तैयार हो गया आपका, क्या कुछ रटने वाली बात है, बिल्कुल नहीं, इक्वेशन याद रहे, इक्वेशन लिखे, ग्राफ जब मर्जी आप तब प्लॉट कर सकते हैं। देखिए यही है ग्राफ आपका, ये ए नॉट का, ये टी का, और स्लोप हो गया आपका एम इक्वल टू माइनस के का, माइनस के क्यों, क्योंकि स्लोप नीचे जा रहा है, इसलिए बस हो गया। नेक्स्ट हमारा अच्छा सा पॉइंट है, पॉइंट का एक टॉपिक ही है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, लाइफ का मतलब क्या होता है, टाइम से है, यहाँ पर लाइफ का मतलब सिंपल सा है, दैट इज टाइम। तो हाफ टाइम क्या मतलब हुआ, हाँ वो टाइम जो कि रिएक्शन को आधी कंप्लीट होने में लगी हो, हाँ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ हाफ रिएक्शन इज नोन एज हाफ टाइम, या टी हाफ बोलते हैं, या फिर उसको हम टी 50% भी बोलते हैं, 50% मतलब आधा, एक चीज। दूसरी चीज, इसको एक और टर्म्स में डिफाइन किया जाता है, इट इज द टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू मेक द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंडीशन। इसको हम सिंपल शब्दों में कहें तो मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग में रिएक्शन कराने से ठीक पहले जो मैंने ए नॉट की वैल्यू ली थी, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिया था, वो 5 मोलर है, तो लगातार रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद टाइम बीतता जाएगा, और ए नॉट, या फिर आप ऐसे कह लें कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन वो लगातार कम होती जाएगी। मुझे ये बताना है कि इतना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा जो मेरी ए नॉट की वैल्यू है ए नॉट बाई टू तक आ जाए, कितना ए नॉट बाई टू, यानी कि वो वैल्यू अगर 5 मोलर थी तो वो घटते घटते 2.5 मोलर तक आने के लिए, ठीक है, जितनी वैल्यू लगेगी, जितना टाइम लगेगा उसी को हम उसका हाफ लाइफ कहते हैं। एक बार फिर से, हाफ लाइफ इज द टाइम ड्यूरेशन टेकन बाय द रिएक्शन टू मेक द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इनिशियली
हाफ, जो इनिशियली था उसका हाफ करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसी को हाफ टाइम या हाफ लाइफ कहते हैं। इसको हम टी 50% या टी हाफ लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख लें, इट कैन बी डिफाइंड एज द टाइम टेकन फॉर द हाफ ऑफ द रिएक्टेंट टू डिकम्पोज। किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हाफ होने के लिए जितना टाइम लगेगा उसी को हम उसका हाफ लाइफ या टी 50% कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन भी आप देख लें, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। या फिर दूसरे टर्म्स में आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, इट कैन बी डिफाइन एज द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू एट कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग टाइम पे, इनिशियल टाइम पे जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रही होगी उसको आधा लेके आने तक जितना टाइम लगेगा रिएक्शन को उसी को हम उसकी हाफ लाइफ कहते हैं। चलिए फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर हम लिखना चाहें तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी दिया है, इतना तो हमें भी पता है, ये हमने कहा भी था आपको याद रखना है, याद हो भी गया होगा, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब बताइए वो मुझसे कह रहे हैं कि मेरी जो कंसंट्रेशन है इनिशियली उसको हाफ करना है, यानी कि अब मुझे जो ए टी चाहिए वो ए टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा। वो ध्यान समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, ये जो टाइम टी पे मुझे जो कंसंट्रेशन चाहिए वो सिर्फ आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए, वो भी किसकी? इनिशियल कंसंट्रेशन का। इनिशियल कंसंट्रेशन मेरा कितना है? ए नॉट। इसको आधा करना है यानी कि ए नॉट बाई टू करना होगा, एक चीज। चलिए दूसरी चीज, जो टाइम टेकन होगा उस टाइम टेकन को हम हाफ लाइफ कहते हैं और उसको क्या लिखते हैं हम, टी 50% या टी हाफ लिखते हैं। अब चाहे टी हाफ के टर्म्स में लिखे या टी 50% के टर्म्स में लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम टी 50 लिख लेते हैं। क्या करना है? तो ए टी की जगह पर मैं क्या लिखूँ? हाँ, ए टी की जगह मुझे अब क्या लिखना होगा, ए नॉट बाई टू। हाफ लाइफ के लिए कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? ए नॉट बाई टू के इक्वल। तो मैं यहाँ लिखूंगा ए नॉट अपॉन टू इज इक्वल टू, फिर से ए नॉट है तो ए नॉट को वैसे रखेंगे, माइनस के तो वही रहेगा। अब तो मैं टी को क्या लिखूं? टाइम कितना होगा? वेरी गुड, टाइम को तो हम रिप्रेजेंट करेंगे टी 50% से, टी 50%। ये चीज़ समझ में आ रही है? सिंपल है। अब तो मैं क्या करूं, इस ए नॉट को उठा के इधर भेज दे, तो ये हो जाएगा ए नॉट बाई टू, पहले से था ये ए नॉट उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के टी 50% माइनस के साथ है, ठीक है। तो हम इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे अपॉन वन लगा लें, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें तो आपको क्या मिल जाएगा, एलसीएम टू। इसको सॉल्व करेंगे तो ए नॉट माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा टू ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। फिर आप इनको सॉल्व कर दें, सॉरी टी 50%, ठीक है। अब देखें ए नॉट माइनस टू ए नॉट करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, माइनस ए नॉट आएगी, क्योंकि ये वाली नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है। अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस के टी 50%। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल कर ले, मुझे क्या चाहिए, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब सिर्फ टी 50% की वैल्यू चाहिए, तो बताइए मुझे क्या करना है, इस के को इधर भेजना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, ए नॉट अपॉन। अच्छा ये के और टी 50% कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लीकेशन का, वो जब राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा ना, निकल हो जाएगा ए नॉट अपॉन टू के इज इक्वल टू टी 50%। यानी कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी 50% या टी हाफ की वैल्यू क्या होती है, ए नॉट अपॉन टू के इक्वल होती है। बात समझ में आई? कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से, क्योंकि अब आपको ये आ गया है, तो इसी तरह से एक और टाइम निकालते हैं, हम बोलते हैं इसको कंप्लीशन टाइम। क्या बोलते हैं? कंप्लीशन टाइम, जिसको हम बोलते हैं टी 100%। अब ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, सिंपल सी बात है और बहुत अच्छी सी बात है। जैसे कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हाफ होने के लिए जितना टाइम लगा उसको हम कैसे निकालते हैं, ए नॉट अपॉन टू के, उसी तरह से, ठीक उसी तरह से अगर आपसे कह दिया जाए कि पूरी रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा वो बताइए, हम वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए मुझे टी को क्या लिखना होगा,
टी 100%। आप बताएं एटी को मैं क्या लिखूंगा? अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई, ध्यान रहे क्या है ये 100% कंप्लीशन ना, अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई तो रिएक्टेंट बचा होगा या नहीं? हाँ तो बचा ही नहीं होगा। कंप्लीशन टाइम का मतलब क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन बाई एनी रिएक्शन टू गेट कंप्लीटेड, यानी कि जितना भी रिएक्टेंट था वो पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया होगा? प्रोडक्ट में। यानी कि उस टाइम पे एटी की वैल्यू कितनी हो गई होगी? जीरो हो गई होगी। ये बात समझ में आई आपको? एटी क्या है? इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी। जब 100% रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ भी बची होगी? नहीं, वो तो खत्म हो गई ना, जीरो हो गया। यानी कि उस टाइम पे मैं एटी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? जीरो। तो देखिए अगर मैं एटी की जगह पे जीरो लिखूँ, इक्वेशन फिर से वही है, एटी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो बताइए एटी कितना हो गया? जीरो। ए नॉट वैसे रहेगा माइनस के, और टी को बताइए मैं क्या लिखूँगा? टी 100%। तो बस ये जीरो हो गया, इसको उधार के जला ये माइनस ए नॉट हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस के टी 100%। बताइए माइनस से माइनस कैंसल, मुझे तो सिर्फ टी 100% चाहिए। मैं टी 100% को यहीं रहने देता हूँ और के को मैं आरएचएस से कहाँ भेज दूँ? एलएचएस में। तो क्या बन जाएगा? ए नॉट अपॉन के। ये हो गया कंप्लीशन टाइम, 100% कंप्लीशन वैल्यू विल बी ए नॉट अपॉन के। अब ध्यान से अगर देखें तो मुझे क्या क्या मिल गया? मुझे टी 50% मिला, दैट इज ए नॉट अपॉन 2k। अब मुझे एक चीज़ और बताएं आप, अगर इसको आप ओरल भी कर सकते हैं। देखिए टी 50% मतलब आधा टाइम। अगर किसी रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में 2 मिनट लगता है तो उसी रिएक्शन को पूरा कंप्लीट होने में कितना लगेगा? वेरी गुड, 4 मिनट। किसी रिएक्शन कंप्लीट होने में अगर 10 मिनट लगता है तो उसको आधा कंप्लीट होने में कितना लगेगा? 5 मिनट। यानी अगर कंप्लीशन टाइम है तो हाफ टाइम आप उसको कैसे निकालेंगे? 2 से डिवाइड करके, या फिर अगर आपको हाफ टाइम पता है तो 2 से मल्टीप्लाई करके कंप्लीशन टाइम निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास एक कोई रिएक्शन है उसको आधा कंप्लीट होने में 3 मिनट लगता है तो पूरा कंप्लीट होने में 6 मिनट। कैसे निकाल रहे हैं हम? 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं ना। तो मैं अगर टी 100% निकालना चाहूँ तो मुझे भी क्या लिखना होगा? 2 इंटू हाफ टाइम, वो कितना है? ए नॉट अपॉन 2k। और अगर आप सॉल्व करके देखना चाहें तो 2 से 2 कैंसिल और ये वैल्यू क्या मिलेगी? ए नॉट अपॉन k के इक्वल मिलेगी, जो कि पीछे हमने डिराइव किया है, ए नॉट अपॉन k के इक्वल। कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ है, आपको बस समझना है कि हमें कब क्या करना है। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर इससे आसान कुछ भी नहीं है। आइए, सो ये सारी वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा? टी हाफ या टी 50% की वैल्यू मिलेगी ए नॉट अपॉन 2k के। वहीं पे कंप्लीशन टाइम अगर आप निकालने लगे तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? वेरी गुड, ए नॉट अपॉन के। लेकिन मुझे कुछ ग्राफ बनाने हैं, आइए हम ग्राफ आपसे बनवा दें। ग्राफ तो आप खुद ही बना लेंगे, बट फिर भी देख लें। मुझे टी हाफ और ए नॉट अपॉन 2k के बीच एक ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ किसके किसके बीच बनेगा? टी 50% और ए नॉट के बीच, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल बचा ही नहीं है। हाँ, इसमें 2 वेरिएबल है ही नहीं, तो एक तो बच गया टी हाफ या टी 50% कह लें, और दूसरा है ए नॉट। इसके बीच का मुझे क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो पहले वही बात, आप इक्वेशन लिख लें, टी हाफ की वैल्यू क्या होती है? ए नॉट अपॉन 2k होता है ना, हम इसको यहाँ लिख लें। तो टी हाफ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? वाई एक्सिस है तो वाई। ए नॉट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स अपॉन 2k, देख सकते हैं ना। अब बताइए ये सब वैल्यू क्या है? कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसको एक ऐसे फॉर्म में भी लिख सकता हूँ क्या? वाई इजक्वल टू एम एक्स। देखिए कैसे, वाई वाई हो गया, एक्स एक्स हो गया, और इन सब की जगह पर एम, यानी कि स्लोप हो गया मेरा। तो बस अब देखिए क्या, ध्यान से क्या बन गया? वाई इजल टू एम एक्स। वाई इजल टू एम एक्स का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ऊपर की तरफ जाएगा, एक चीज। दूसरी चीज, अगर मैं इसके लिए स्लोप लिखूं एम की वैल्यू, तो बताइए एम की जगह पे मैंने क्या लिखा है? ये जो एम है ना, ये किसकी जगह पे लिखा गया है? 1 अपॉन 2k। ध्यान है 2k की जगह पे नहीं है,
ये m किस जगह लिखा गया, 1/2k के जगह पे, यानी इसकी स्लोप की वैल्यू अगर कोई पूछे मैं क्या कहूँगा, 1/2k। ये रही एक बात। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, आप मुझे एक बात बताएं, कोई भी रिएक्शन अगर आपको कराना है, ठीक है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक उससे पहले, क्या उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो हो सकती है? बिल्कुल नहीं। रिएक्शन स्टार्ट कराने के लिए आपने रिएक्टेंट लिया होगा ना, क्या उस रिएक्टेंट की वैल्यू जीरो हो सकती है क्या? नहीं। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखिए तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पर आपको ए नॉट की वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हाँ याद है, कुछ दूर तक हम इसको डॉट डॉट करते हैं, देखिए अब तो मुश्किल हो गया बट फिर भी, उसके बाद इसको कॉन्स्टेंट लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू प्रैक्टिकली अचीव नहीं होती है, इसलिए हम इसको थोड़ी दूर डॉट डॉट रखते हैं। बस ये हो गया आपका ग्राफ, कर सकते हैं। चलिए, स्लोप की वैल्यू आ गई, ये सब तो हो गया। आपको इम्पोर्टेंट चीज़ एक और ध्यान रखनी है, दैट इज टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। किसी भी रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसकी जो हाफ लाइफ होगी वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। कैसे? हाफ लाइफ है क्या? हाफ लाइफ क्या है? किसी भी एक रिएक्शन को उसकी कंसंट्रेशन का आधा कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा वही है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है तो उसकी हाफ होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, टी हाफ की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इट मीन्स टी हाफ या टी 50% इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। या फिर आप इसको ऐसे भी देख लें, टी हाफ की वैल्यू क्या होती है, ए नॉट अपॉन 2k। ये 2k क्या है, कॉन्स्टेंट, इनको हटा दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, क्योंकि ये भी टॉप पे, ये भी टॉप पे, इनके बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। आप यहाँ से भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं ना, बिल्कुल। चलिए अब आप मुझे एक चीज़ बताएं, क्या आप 100% कंप्लीशन, यानी कि टी 100% और ए नॉट के बीच ग्राफ बना सकते हैं खुद से? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, बस लिख ले फॉर्मूला क्या होता है, टी 100% इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन के। कोई नहीं, अभी याद नहीं है, याद हो जाएगा, आप सुनते रहें मेरे साथ साथ बोलते रहें, याद तो हो ही जाएगा। ए नॉट अपॉन के, तो बस टी 100% जब मैं क्या लिखूँगा, वाई एक्सिस पे है, ए नॉट के जगह पे एक्स, और बताए ये 1/k के जगह मुझे क्या लिखना होगा, एम, यानी कि वाई इक्वल टू एम एक्स ग्राफ फिर से बन गया। ए नॉट की वैल्यू जीरो हो नहीं सकती तो मुझे पता है, इसको थोड़ी देर डॉट डॉट रखेंगे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, फिर बस यहाँ चेंज मिलेगा आपको। आप तो कहेंगे सर ये चीज़ वही है, नहीं अंतर है, वहाँ पे m की वैल्यू थी 1/2k, लेकिन यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू होगी दैट इज 1/k के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं 1/k के जगह पे m लिखा हूँ, वहाँ पे 1/2k के जगह पे m लिखा हुआ था, तो सिर्फ स्लोप का अंतर होगा, बाकी ग्राफ का नेचर तो वही रहेगा। ये देखिए, ये सारा सॉल्व करने के बाद आपका टी 100% की वैल्यू आएगी ए नॉट अपन की, जो कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी 100% की वैल्यू क्या होगी, 2 × t½, टी हाफ में 200 मल्टीप्लाई करते तो उसके इक्वल भी आ जाएगा। एक इम्पोर्टेंट नोट है जो कि आपको ध्यान रखना है, वो इसी चीज़ को थ्योरी पार्ट में लिखा गया, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कम्प्लीटेड इन 2 हाफ लाइफ साइकल्स, यानी कि मुझे अगर एक रिएक्शन के हाफ लाइफ पता है कि 10 मिनट है, तो मैं 2 बार 10-10 मिनट का टाइम दूं तो 20 मिनट में मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और सही बात है, 10 मिनट में आधा हुआ तो 20 मिनट में पूरा हो जाएगा, तो 2 हाफ लाइफ साइकल्स को मिला दूं तो वो एक कंप्लीट रिएक्शन को फिनिशिंग टाइम दे देता है, यानी कि कंप्लीशन टाइम टी 100% मुझे देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट ऑफ, एक चीज और आपको मुझे समझानी थी, देखिए क्या है, हम अगर टी 50% लिखें तो क्या लिखेंगे, ए नॉट अपॉन 2k लिखेंगे ना। आप अगर मुझसे कोई ये पूछ ले कि ये जो k है, ये तो पता है क्या है, दिस इज द हाफ लाइफ, ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, के क्या है, रेट कांस्टेंट, लेकिन किसका, ये जो के रेट कांस्टेंट है वो किसका है, तो आप कहेंगे दिस इज द रेट कांस्टेंट
इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का है। लेकिन अगर कोफिशियंट नहीं है आपके रिएक्शन में तो यही रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन भी होगा। मैं बार बार इसको स्ट्रेस दे रहा हूँ, आपको इसी को ध्यान रखना है। अगर आपके क्वेश्चन में जो रिएक्शन दी गई है उसमें अगर कॉन्स्टेंट नहीं है तो रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो आप निकालते हैं वही वैल्यू रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन की भी होती है और हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में कोफिशियंट दे दिया है रिएक्टेंट के साथ तो उस केस में आपको फिर आपको यूज करना होगा के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट इनटू रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन, फिर आप उसको सॉल्व करके वहां से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखिएगा ये चीज़ तभी अप्लीकेबल है जब मेरे रिएक्शन में कहीं ना कहीं रिएक्टेंट के साथ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट दिया हो। अगर नहीं दिया है तो बस जो रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू आई है चाहे वो रिएक्टेंट के लिए हो, प्रोडक्ट के लिए हो या रिएक्शन के लिए, सब सेम होती हैं। और कोई आपसे जनरली पूछ ले कि ये जो के आ रहा है एक्चुअली वो किसके लिए आ रहा है, तो रिएक्टेंट ए के लिए आ रहा है। ये बात और है कि कोफिशियंट नहीं है तो रिएक्शन के लिए भी वही रहेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए जीरो ऑर्डर। ये तो आपको पहले से ही पता है कितना आएगा, मोलर सेकेंड इनवर्स। हाँ, घटे नहीं है भाई, ये आपको भी याद हो गया होगा। देखिए कैसे, आपको मैंने एक जनरल टर्म सिखाया था, याद है? हाँ, क्या था? के की यूनिट के लिए ना, मोलर वन माइनस एन एंड सेकेंड इनवर्स, यही था। यहाँ पे एन क्या है, इट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो एन की वैल्यू जीरो रखे तो क्या हो जाएगा, मोलर वन माइनस जीरो सेकेंड इनवर्स, वन माइनस जीरो का मतलब वन, तो मोलर वन सेकेंड इनवर्स। आप तो ये मोलर वन का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, इसको सिर्फ हम मोलर लिख लें, मोलर सेकेंड इनवर्स। ये चीज़ें तो हमने पहले ही देख लिया था, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है, आप देख लें। देखिए आपने सीखा बहुत कुछ, लेकिन जो आपको याद रखना है वो बहुत थोड़ा सा है। हाँ, आइए मैं आपको समराइज एक बार करा दूँ। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर आप रेट लिखना चाहें, रेट लॉ, तो आप क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेस्ट टू द पावर जीरो। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। या फिर आप सिंपल से क्या लिख सकते हैं, रेट क्या होता है, कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है, बस। दूसरा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो हमने देखा वो कितना आया था, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। फिर मैंने टी 50% देखा, हाफ लाइफ, दैट इज ए नॉट अपॉन 2k। वही मैंने टी 100% भी देखा, दैट इज ए नॉट अपॉन के। या मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × t½ लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना। तो बस इतना आपको याद रखना है, सीखने के लिए तो बहुत कुछ था आपको। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स, इन व्हाट टाइम इट विल बी 80% कंप्लीटेड। मेरे पास एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया गया है कोई भी, अब उसको हाफ लाइफ यानी कि आधा कंप्लीट होने के लिए 10 मिनट लगता है, नहीं आधा नहीं सॉरी 20%, उसको 20% कंप्लीट होने में कितना लगता है, 10 मिनट, तो 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो बस ठीक है, आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस क्या है, 20% कंप्लीशन, और एक और केस है दैट इज 80% कंप्लीशन। हम दो केस दो अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं 20% डिस्कशन करूं, तो होता ही टाइम जो लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, T 20% कहेंगे ना, ठीक है। उसके बाद मुझे इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाना है, तो आइए इंटीग्रेटेड रेट लॉ मैं लिखूं, क्या लिखूंगा, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। ए टी क्या है, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी। आप बताइए अगर रिएक्शन आपकी 20% कंप्लीट हो गई है, इसका मतलब अभी रिएक्टेंट कितना बचा होगा, 80% बचा होगा। इस चीज को बहुत ही आराम से समझिएगा, क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं, वो यहाँ 20% लिख देते हैं। नहीं नहीं, वो ये कह रहा है कि रिएक्शन 20% कंप्लीट हो गई है, और एटी क्या होता है कि कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अभी बचा है, 20% चला गया तो कितना बचा, 80%। आप क्या लिखेंगे, 80% ऑफ किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, नहीं दिया था, मे नॉट लिख लेंगे, इज इक्वल टू
ए नॉट माइनस के, और टाइम की वैल्यू कितना है 10 मिनट्स इंटू 10, देख सकते हैं आप इसको सॉल्व करें तो 80% की वैल्यू होती है 0.8। हाँ कुछ छोटी छोटी टूल्स आप सीख ले याद रखेंगे, जैसे 10% तो आप इसको क्या लिख दें 0.1, 20% 0.2, 50% 0.5, 100% हाँ 0.0 नहीं हो सिर्फ 1 हो जाएगा, 70% 0.7। छोटे छोटे टूल्स है, बार बार कैलकुलेशन करके देख रहे हैं कोई मतलब नहीं, आप कोई एक देख लें। मैं अगर इसको सॉल्व करके दिखा दूं तो 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100, परसेंट का मतलब 1/100, 0 से 0 गया, इसको डिवाइड करिए देखिए 0.2 आएगा। तब शॉर्ट तरीका यूज क्या करें ना, ठीक है तो 80% का मतलब 0.8 ए नॉट हो गया, ये भी ए नॉट है, माइनस के इंटू 10 यानी कि क्या हो गया ये 10K, यहाँ तक तो सही है। आइए अब क्या करते हैं, ये भी ए नॉट का टर्म है, ये भी ए नॉट का, तो मैं इसको इधर भेज दूँ, ये हो जाएगा 0.8 ए नॉट माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस 10K। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.2 ए नॉट इज इक्वल टू माइनस 10K। देखिए माइनस से माइनस तो चला जाएगा, आप यहाँ से क्या देख सकते हैं कि 0.2 ए नॉट की वैल्यू क्या होगी 10K के इक्वल होगी। आप इसको ऐसे इक्वेशन बना के छोड़ दें बस, इक्वेशन नंबर 1। आइए सेकेंड केस डिस्कस करते हैं, नहीं ये नहीं है, ये है ना, ठीक 80% कंप्लीट हो गया है तो इसके में भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे 80 = ए नॉट माइनस KT। आप बताइए अगर रिएक्शन 80% कंप्लीट हो गया है तो रिएक्टेंट कितना बचा होगा, सिर्फ 20%। 20% का मतलब वेरी गुड 0.2 किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी ए नॉट का, थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने लिख दिया आप समझ जाएं क्या है, 80% कंप्लीट हो गया तो कितना बचा 20%, 20% को मैं क्या लिखूंगा 0.2, 0.2 किसका इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि ए नॉट का इज इक्वल टू ए नॉट माइनस KT। टाइम मुझे निकालना है तो यहाँ लिख ले T 80%, इसको सॉल्व करें ये इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी 80%। अब इसको मैं सॉल्व करूं ये वैल्यू हो जाएगी -0.8 ए नॉट के इक्वल एंड दैट इज इक्वल टू माइनस के टी 80%। देखिए माइनस से माइनस चला गया, ये हो जाएगा 0.8 ए नॉट इज इक्वल टू के टी 80%, बनेगा ना, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, देखिए 1 कितना आया था 0.8 ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट माइनस है कहाँ गया, ये है ना क्वेश्चन नंबर 1, सिट आ जाओ भाई आ जाओ, ओ नो कोई नहीं बचा नहीं बचा नहीं बचा है, दैट इज 10K, हाँ ठीक है 0.2 ए नॉट इज इक्वल टू 10K, वो था 0.2 ए नॉट इज इक्वल टू 10K इक्वेशन नंबर 1। आप इनको डिवाइड कर दें तो देखिए ए नॉट से ए नॉट चला जाएगा, 0.8 और 0.2 को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.8/0.2 इज इक्वल टू, ये देखिए के से के चला जाएगा क्या बचेगा T 80% / 10। अब बस क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे या फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व भी कर दे, देखे इसको आप डिवाइड करिए हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4 इज इक्वल टू T 80% / 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 10 इधर चला जाएगा तो 4×10 = 40 इज इक्वल टू T 80%, आपको वैल्यू मिल गई कितना 40 मिनट। मिनट में क्यों आया, क्योंकि टाइम किस में दिया था 20% कंप्लीशन के लिए, हाँ दैट वाज गिवन फॉर मिनट्स, तो इसलिए उसकी वैल्यू किस में आ गई मिनट में, तो आंसर आपका कितना आएगा दैट इज गोइंग टू बी 80 मिनट, सो आंसर यहाँ सॉरी 40 मिनट ना, हमारा भी कितना आया 40 मिनट ही आया ना देख ले, हाँ 40 मिनट। अब एक तो ये तरीका हो गया जो कि पूरा कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने, अब मैं आपको इसको बताता हूँ ये ओरल क्वेश्चन हो जाता, आप क्वेश्चन को देख के बस आंसर बता देंगे, देखिए कैसे
कोई एक रिएक्शन है जीरो ऑर्डर की, यानी कि रेट तो कांस्टेंट रहनी है, रेट बदलेगी नहीं। तो बस इसी बात का फ़ायदा उठाए। और देखिए 20% कंप्लीट होने के लिए टाइम कितना लगा, 10 मिनट। तो बताइए 80% कंप्लीट होने के लिए टाइम कितना लगेगा, 20 से 80 जाने के लिए क्या करना होगा, चार टाइम्स ना। तो बस 10 मिनट का भी 4 टाइम्स कर दे, कितना हो जाएगा, 40 मिनट। दैट्स ऑल, आंसर आ गया। लेकिन ध्यान रहे ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन अप्लीकेबल है, हर बार आप ऐसी गलती ना करें। कंपटीशन में अगर मिल जाए तो आप ऐसे करें, अगर बोर्ड ने दे दिया है, एमसीक्यू नहीं है तो फिर आपको ये सब करके दिखाना पड़ेगा ना, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी आंसर तो आप ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। इसको करने के अपने अपने अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, जैसे ऐसे भी आप देख सकते हैं 20% टाइम कितना लगा, 10 मिनट, तो आप यहाँ से निकालेंगे 1% के लिए टाइम कितना लगेगा, 10/20 मिनट, इसको आप सॉल्व कर दे हो गया 1/2। फिर आपको क्या करना है, 80% के लिए निकालना है, तो 80% का मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 1/2 × 80, इसको सॉल्व कर दे 2 × 40, यानी कि ये हो गया 40 मिनट्स। तो आप चाहें जैसे निकालें, आंसर तो 40 मिनट्स ही आएगा, कर सकते हैं। चलिए आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। फॉर अ रिएक्शन फॉलोइंग डेटा इज गिवन, एक छोटा सा रिएक्शन के लिए मुझे डेटा दिया गया है और ये चीज़ मुझे पता है कि ये ऑर्डर रिएक्ट ने की है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हाँ ये चीज़ हमें दिया गया है, तो मुझे क्या करना है, इसके लिए क्या निकालना है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इनकम्प्लीट ना कंप्लीट कर लेंगे, कैलकुलेट के हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है इसके लिए। तो बस डेटा ध्यान से देखें, दिमाग लगाएं और कर लें, हाँ कर लिया होगा आपने ना। आइए देखें इसको करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहें जहाँ से शुरू करना चाहें, एक आप इन दोनों को लेकर डील कर ले, दूसरा आप इन दोनों को लेकर डील कर ले, या तीसरा आप इसको डायरेक्ट लेकर डील कर ले। आप किसी के साथ करेंगे आपका आंसर वही आएगा, अरे मैं किसको लेके करूं, हाँ बताएं, मैं थर्ड लेके करूं, तो देखिए अगर मैं थर्ड लेके बात करूं तो 1 से 0, यदि है ना रिएक्टेंट पहले कितना था 1 मोलर था, बाद में कितना हो गया 0, यानी कि इसकी जो कंसंट्रेशन थी लगातार घट गई, कितनी हो गई, 0 हो गई। अच्छा तो 0 होने का मतलब रिएक्शन अभी बचा है, ख़त्म हो गया, रिएक्शन ख़त्म हो गया। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, 1 से स्टार्ट हुआ, 0 पे ख़त्म हो गया, कैसे पता चला, उधर टाइम टी इक्वल टू 0 था, यानी कि टी इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था 1, फाइनल कितना हो गया 0, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो कंप्लीशन रिएक्शन के लिए मुझे एक फॉर्मूला पता है, दैट इज T100% इज इक्वल टू, वेरी गुड, A0/K। तो देखिए टाइम कितना लगा, 120 सेकेंड, दैट इज 120 इज इक्वल टू A0 कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है इसका 1/K। तो बस आप यहाँ से K की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लें, K की वैल्यू आ जाएगी 1/120, आप इसको सॉल्व कर लें आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यूनिट आपको पता है क्योंकि जू क्या ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो मोलर सेकेंड इन्वर्स यूनिट आएगी, या फिर मोलर को आप मोल लीटर इन्वर्स भी लिख सकते हैं, तो इसकी यूनिट आप मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। दैट्स ऑल, आप इसको सॉल्व कर देंगे डेसिमल में, वैसे PDF आपको सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ, अगर मेरे माइंड में ये दिमाग में नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से भी आप देख लें। देखिए अब मैं क्या करूँ, बताइए किसको लेके सॉल्व करूँ, फर्स्ट वाले को या सेकेंड वाले को। चलिए मैं फर्स्ट इन दोनों को लेकर डिस्कस करता हूँ, तो इसके लिए 1 0.75। तो बताए A0 की वैल्यू 1, AT की वैल्यू 0.75, यहाँ पर T की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर T की वैल्यू मुझे देखना पड़ेगा, याद थोड़ी है, कितना है 30 सेकेंड्स। तो बस फॉर्मूला बताएं, AT इज इक्वल टू A0 - KT, AT कितना है 0.75, A0 कितना है 1 माइनस K तो मुझे निकालना है ना, इंटू T की वैल्यू कितनी है 30। तो बस अब देख लें इसको इधर लेके आ जाए, माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, रुक जाए इसको हम इरेज करते,
तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.75 माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 30 के लिख लें इसको आराम से। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस 0.25 इज इक्वल टू माइनस 30 के, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो आप यहां से के की वैल्यू कैलकुलेट करें तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.25 अपॉन 30 हो जाएगी ना। तो देखें अब इसलिए क्या करें, आप डेसिमल में डेसिमल को हटा दें, नीचे कितना आ जाएगा 100। तो देखिए 5 जा 25, 5 जा 30, ये कितना हो गया 5/600। अभी ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 5 5 120, जिंदगी की वैल्यू कितनी आ गई फिर से 1/120 मुलर सेकेंड इनवर्स आ गया। तो आपको आपका आंसर मिल गया, के की वैल्यू कितनी आई 1/120, और अगर आप सॉल्व करें तो आपको वैल्यू इतना मिलेगा डेसिमल में, 8.3 × 10^-3। ये आपके लिए होमवर्क, मैंने आपको दो क्वेश्चन कराया है उसी बेस पे ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क भी मिलेगा, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, आपके लिए एक चैलेंज क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास हम इसको पहले डिस्कस करेंगे और फिर इसके आगे बढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट चैलेंज क्वेश्चन, आपके पास ऑप्शंस भी हैं, ठीक है, आपको रिएक्शन भी दी गई है, डेटा वगैरह भी दिया गया है, आप इसके ऊपर ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में जाके इसका रिप्लाई जरूर करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। और ये रहा आपने सेकेंड चैलेंज क्वेश्चन, इसके लिए भी आपको ऑप्शन वगैरह सब कुछ दिया गया है, आप ध्यान से करें। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है, अगर आपने उस ट्विस्ट को पकड़ लिया तो आपका काम बन जाएगा, नहीं तो फिर आपका गेम हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।